अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिवसेना मुस्लिम संघ के थाने शहर अध्यक्ष अनवर कच्छी साहब के पास आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव का मौसम चल रहा है और हर पार्टी के नेता एक दूसरे नेताओं पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी तरह से जो है मुमरा शहर में एक अफवाह चल रहा है कि खासदार एनसीपी, खासदार शिवसेना का, आमदार एनसीपी का। कहने का मतलब यह है कि आव्हाड साहब और एकनाथ शिंदे साहब के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें जो है खासदार शिवसेना का रहेगा और एनसीपी का आमदार रहेगा। ऐसा इस तरह का अफवाह लोगों के बीच चल रही है और लोग जो है बोल भी रहे हैं। तो इसी अफवाह की सच्चाई जानने के लिए हम शिवसेना मुस्लिम संघ के थाने शहर अध्यक्ष अनवर कच्छी साहब से बात करेंगे। तो चलते हैं कच्छी साहब के पास। तो कच्छी साहब, ये बताइए कि ये जो खासदार उनका, आमदार इनका, ये क्या मामला है? नहीं, ये गलत बात है कि खासदार हम लोग का रहेगा और आमदार उनका रहेगा। देखो, खासदार जो जीत के आता है ये मुमरा से नहीं जीत के आता है, ये जो जीत के आते हैं कल्याण ग्रामीण से, उल्लासनगर, अंबरनाथ से उनको लीड मिलती है। मुमरा से बहुत कम वोट मिलते हैं। तो ये गलत है कि खासदार हम लोग का रामदार उनका रहेगा, ये सरासर गलत है, मैं इसको नकारता हूँ। अच्छी साहब, मुमरा कलवा के वोटर सभी पार्टी के उम्मीदवारों को छोड़कर आप ही के पार्टी के उम्मीदवार को वोट क्यों दे, ऐसी क्या खास बात है आपकी पार्टी में और आपके उम्मीदवार में? और एक बात और कि अभी हाल ही में आपने एक कार्यक्रम किया था और एक लेटर आपने शासन को दिया था कि जल्द से जल्द, उस लेटर में कई मांग थी, क्या क्या मांग किया है आपने लेटर के माध्यम से और क्या खास बात है कि मुमरा कलवा के वोटर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दें? मैं मुमरा के वोटरों से मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए, शिवसेना काम करती है और काम के नाम पे वोट मांगती है, भटकाने का काम नहीं करती। अभी मैंने आज 9 तारीख को एक प्रोग्राम लिया था तो एकनाथ शिंदे साहब को उनको इन्वाइट किया था, तो उनको मैंने देखो ये लेटर दिया हूँ। ये लेटर के अंदर हम लोगों ने 8 मांगे की है। इसके अंदर लिखा हुआ सबसे पहला हम लोग का मुद्दा है कब्रस्तान जिस जगह पास हुआ था उसी जगह मुमरा वालों के लिए कब्रस्तान चाहिए, कौसा के लिए तो कब्रस्तान काफी है। दूसरा मुद्दा ये था कि स्लाटर हाउस जो पास हुआ था वो बनना चाहिए। तीसरा मुद्दा ये जो दरगाह के बाजू में जगह पड़ी है ऊपर, जो कुछ लोग उसको गार्डन बनाने के चक्कर में, मगर वो गार्डन नहीं बनेगा, वो चर्सी लोग का अड्डा बनेगा, तो हम लोगों की मांग है कि वहां पे ईदगाह बनना चाहिए। चौथा मुद्दा ये है जो मुमरा के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल करीब करीब रेडी हो चुका है, मगर यहाँ के आमदार उसको प्राइवेट करना चाहते हैं, तो वो हमने एकनाथ शिंदे साहब से बात की है, वो हेल्थ मिनिस्टर है और उन्होंने हमसे वादा किया ये हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं होगा। और उसके बाद में पांचवा मुद्दा ये है कि गर्ल्स हॉस्टल बनना चाहिए मुमरा में, जो ऑलरेडी पास हो चुका है स्टेट गवर्नमेंट से, मगर वो एक कब्रस्तान के चक्कर में 4 चीजों को हटा दिया इन्होंने, गर्ल्स हॉस्टल को हटा दिया, उसके बाद में फ्लाटर हाउस को हटा दिया, क्रिश्चियन दफन भूमि को हटा दिया, शमशान भूमि को हटा दिया, यानी 4 चीज को हटा के एक ही चीज बनाई गई और इसकी पूरी निधि वगैरह पूरी तैयार है। उसके बाद में हमने 6ठा मुद्दा लिया कि उर्दू मराठी टीएमसी स्कूल है उसके अंदर काफी समस्या है, कपड़े के भी पैसे लिए जा रहे हैं और जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आते हैं वो भी देने के लिए बहुत तकलीफ है, तो वो स्कूल के अंदर काफी सुविधा कम है, वो सुविधा भी होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने 7वां मुद्दा लिया है, मुमरा शहर के अंदर पानी की बड़ी किल्लत है और जो पहाड़ी इलाका है वहां तो काफी परेशानी है, तो साहब को हमने बोले कि जो जुम्मा के दिन पानी जाता है वो डायरेक्ट संडे के दिन आता है, तो जुम्मा के दिन ऐसा होता है कि नमाजियों की बहुत तकलीफ हो जाती है लेडीज लोग को, तो वो भी बात की है, तो साहब ने बोले कि पानी के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद में मुमरा का सबसे एकदम जो मुद्दा है हॉकर्स का, जो रोड के ऊपर लगा के धरा के धंधे करते हैं, तो अगर उनको आप अच्छा मार्केट बना के देंगे तो उनको कोई शौक नहीं है रोड के ऊपर करने के लिए, तो ये गरीबों के रोजी रोटी का भी है और लोगों की सुविधा के लिए, तो हमने साहब को बोले कि ये हॉकर्स जो है हमको लीगल में मार्केट चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से उठाओ फिर दूसरी जगह बिठाओ, दूसरी जगह फिर तीसरा बिठाओ, तो इसके लिए लीगल मार्केट चाहिए। अच्छी साहब, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि आपने ये मांग, जैसे सांसद जी 5 साल से सांसद हैं, 2014 में चुन के आए और पालक मंत्री जो है उन्हें भी काफी साल हो गया और वो विधायक भी पहले से थे, महापौर भी आपकी ही पार्टी के हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये मांग आपने पहले ही क्यों नहीं किया, आयन लोकसभा चुनाव के मौके पर ही क्यों?
नहीं देखो, आपको मैं कब्रस्तान का मुद्दा बताऊंगा, ये रिसेंटली नया मुद्दा है, ये ज्यादा कुछ नहीं, 2 महीने का है, उसके पीछे हम लोग काफी वर्क कर रहे हैं। और ये कब्रस्तान बनने से पहले हमने एकनाथ शिंदे साहब को और जो आपके जो पत्रकार है रफीक कामगार साहब, हम लोग ने जाके एकनाथ शिंदे से बात भी की थी, मगर यहाँ के जो स्थानीय आमदार है वो चाहते ही नहीं कि वो वहाँ पे कब्रस्तान बने। उनके मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहिए वहाँ कब्रस्तान उन्होंने शिफ्ट कर दिया, और जो कब्रस्तान ऑलरेडी कौसा के टोल नाके के पास कब्रस्तान 7 साल से रेडी है मट्टी भरनी करके, मगर उसको कारपोरेशन से इन लोग NOC नहीं दिला पा रहे, क्योंकि अगर इनको NOC ये दिलाते तो वो कब्रस्तान जो इनको कौसा में शिफ्ट करना था वो नहीं कर पाते थे। तो कब्रस्तान के ऊपर भी राजकारण हो रहा है। तो मुमरा के जो लोग है वो मुसलमान है, और मुसलमान सब कुछ कर सकते, ईमान उनका मजबूत है, तो उन्होंने देख लिया कि कब्रस्तान, ये जो मुमरा का जो कब्रस्तान है जो शिवसेना शाखा के पीछे है, जो सिया कब्रस्तान के बाजू में, वो कब्रस्तान बिक चुका है और बेच दिया है। वहां पे इन्हीं के कुछ नगर सेवक और इनके जिला अध्यक्ष वगैरह जो है वो मिलके वहां पे टावर बनाने। तो मेरा लोगों से भी ये मैसेज है कि जो नेता तुम्हारा कब्रस्तान खा सकता है वो तुमको जिंदगी में कुछ नहीं दे सकता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, थाना की वागले स्टेट के अंदर आज से 15 से 20 साल पहले एकनाथ शिंदे साहब ने कब्रस्तान बनाया था, वो MIDC की जगह के ऊपर। लोग परेशान थे, शिंदे साहब ने उसके ऊपर JCB घुमा के कब्रस्तान बना दिए। कब्रस्तान बनाने के बाद एकनाथ शिंदे के ऊपर 4 केसेस हुई। केस होने के बाद में एकनाथ शिंदे साहब ने जज के सामने एक ही जवाब दिए कि साहब मुसलमानों को ऊपर तो चैन से नहीं रहना देते, कम से कम उनको कब्रस्तान तो अच्छे से दो। वो करके शिंदे साहब ने वो कब्रस्तान बना के दिए, हालांकि वो जो वहां की पब्लिक थी उतना कब्रस्तान नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा कब्रस्तान था। काफी लोग आए बोले साहब हम लोग यहाँ पे गाले बनाते, बिल्डिंग बनाते। तो एकनाथ शिंदे साहब ने उस वक्त बोले कि मैं जो चीज कब्रस्तान को दे चुका वो उसमें से कुछ भी नहीं लूंगा, एक पत्थर भी नहीं लूंगा। मगर कौन सी हमारी शिवसेना, शिवसेना की पार्टी वाले कब्रस्तान के अंदर से कुछ नहीं ले रहे, और ये सेकुलरिज्म जो अपने आप को कहते हैं उन्होंने पूरे कब्रस्तान ही बेच के खा गए। अच्छी साहब, आपकी पूरी टीम मैं देख रहा हूँ, लोग भी देख रहे हैं कि शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं श्रीकांत शिंदे साहब को जिताने के लिए जो है हर तरह से प्रयास कर रही है, तो और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से जो है आप लोगों की कोशिशें चल रही हैं कि मुमरा से ज्यादा उनको वोट मिले, क्योंकि आपका ज्यादातर वर्क जो है मुमरा कलवा में ही रहा है, तो जाहिर सी बात है मुमरा कलवा के वोटर जो है आपको देख के शिवसेना को वोट करेंगे। जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ज्यादातर लोग जो है शिवसेना भाजपा से भागते हैं कटते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है अनवर कच्छी साहब के नाम पर जो है वोट देंगे, तो क्या तैयारियां चल रही है कि श्रीकांत शिंदे साहब जो है ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते। हम लोग लोगों को समझा रहे कि जो आप समझ रहे शिवसेना को, शिवसेना वैसी नहीं है, शिवसेना काम करती है। और खासदार श्रीकांत शिंदे का जो वर्क है और उनकी नीति जो है रेलवे के अंदर, इतनी उन्होंने ये 5 साल के अंदर काम किए, तो उसको देख के और आने वाले 5 सालों के अंदर जो मुमरा में नहीं हुआ है उससे बहुत कुछ ज्यादा होगा। तो इसके लिए लोग मुमरा को, शिवसेना को लाइक कर रहे हैं, और लोगों को हम समझा रहे, कॉर्नर मीटिंग ले रहे, ले लोगों से मिल रहे ले और उनको समझा रहे। एक बात अभी आपने जिक्र किया विकास कार्यों के बारे में, तो मुमरा रेलवे प्लेटफॉर्म पे इस वक्त एस्केलेटर सीढ़ी जो है जिसको स्वयं चली सीढ़ी बोलते हैं, उसकी बहुत जरूरत है, और हमारे जो अपंग लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और श्रीकांत शिंदे साहब ने मुमरा वासियों से कई सालों से वादा कर रहे हैं कि ये काम करेंगे, मगर अभी तक वो काम हो नहीं पाया, यहाँ तक अभी तक यहाँ पर सीढ़ी वो आ तक नहीं पाई है, और उसको लेकर जो है MIM के और कुछ पार्टियों के नेता जो है शासन प्रशासन से मांग भी किए थे, मगर अभी तक वो काम हो नहीं पाया है, तो ये काम कब तक हो जाएगा सर? देखो, जो एक्सीलेटर है, जो सीढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी, ये मुमरा के लिए एक पास हो चुकी है, और हमने श्रीकांत शिंदे से इसकी 4 की मांग की थी, और ये MIM और ये जो भी पार्टी है इन्होंने 1 साल के दरमियान किए। मैं इसको 3 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं आपको लेटर भी बता सकता हूँ। और श्रीकांत शिंदे ने एक पास हो चुकी है, और 3 की जो फास्ट ट्रैक भी लाइन चालू होने वाली है, वो टाइम के ऊपर मुमरा के चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 सीढ़ियां होगी, और ये जो 1 सीढ़ी जो पास हो चुकी है अभी के इनके निधि के अंदर। तो मेरी ऐसी एक खाता सबसे बात हुई थी कि ये 2 या 5 तारीख के दरमियान में ये सीढ़ी आके लग जाएगी। कच्छी साहब,
हमने हमेशा अपने पूर्वजों की जुबानी सुनी है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि जब मैदान में दो पहलवान उतरते हैं तो एक दूसरे को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूं कि शिवसेना के उम्मीदवार या शिवसेना के लोग जो है, एनसीपी के उम्मीदवार जो बाबा जी पाटिल साहब हैं, उनको बहुत हल्के में ले रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, क्यों हल्के में ले रहे हैं? देखिए, हल्के में लेने के कारण ये है कि मुमरा ये कल्याण विधानसभा लोकसभा है, इसके अंदर सबसे पहला तो उम्मीदवार इनको मिला नहीं। उम्मीदवार तो बहुत थे यहाँ पे, एक नगर से कोई लोगों ने टिकट दे दिया डायरेक्ट लोकसभा का। होना ये चाहिए था कि यहाँ से आमदार लड़ना चाहिए था। आमदार लेवल का आदमी अगर लड़ता तो हम लोग को भी लगता कि नहीं वहाँ पे कोई लड़ रहा है। फिर भी हम लोग की मीटिंग हुई, एकनाथ शिंदे साहब ने हमको बताया कि ठीक है, किसी को हल्के में मत लो और जो अपना वर्क करना है वो वर्क करते रहो, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग दिन रात मेहनत करके इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग गफलत में नहीं है, ना गफलत में रहेंगे। हम लोग क्या लगता है आपके उम्मीदवार कितने वोटों से जीतेंगे? हम लोग का टारगेट है 3 लाख वोटों से श्रीकांत शिंदे साहब जीत रहे हैं। मगर यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है कि देसाई गांव से लेकर अंबरनाथ तक या फिर ग्रामीण इलाकों के जो वोटर है वो शिंदे साहब से नाराज है, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ये जो आगरी फैक्टर लेके चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है, शिवसेना के अंदर काफी आगरी है, ठीक है ग्रामीण इलाका है। मगर अभी मैं आपको बता दूं, 2 दिन से मलंगगढ़ में ग्रामीण के अंदर रैली हो रही है, श्रीकांत शिंदे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग है आगरी लोग, ऐसा नहीं कि सब आगरी शिवसेना के अंदर ज्वाइंट है, एनसीपी में है, और एक आध दो जो ये थे पदाधिकारी थी उन लोगों ने इस्तीफा दिया था, बीच में न्यूज में आई थी, मगर उनसे भी साहब ने बात करके उन लोगों को भी अपने भरोसे में ले लिया। और ये सब अफवाह है कि सब श्रीकांत शिंदे के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।